नमस्कार दोस्तों, हमारा बिहार में आपका स्वागत है। आज है 1 अप्रैल 2020 और 1 अप्रैल 2020 से जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो बिहार से जुड़े हुए हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम अप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार HB और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको सारे दिन का PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार के किस प्रमंडल में चलंत डाकघर, ठीक है, चलंत डाकघर की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों, ये पटना प्रमंडल में किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और दोस्तों, कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आम जनता को पोस्टल सुविधाएं मिलती रहे इसके लिए पटना प्रमंडल में चलंत डाकघर को शुरू किया गया है। इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने घर से ही डाकघर से पैसे निकासी तथा जमा कर सकता है। इसके साथ ही लोग सभी तरह के डाक सुविधाएं भी प्राप्त कर सकते हैं अपने घर पे ही। और दोस्तों, साथ ही डाक विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, ठीक है। अब दोस्तों, ये पटना प्रमंडल में हुआ है तो पटना प्रमंडल का नाम आया, ठीक है। तो चलिए बिहार के सभी प्रमंडल के बारे में जानते हैं। तो बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो 9 प्रमंडल हैं। और किस किस प्रमंडल में कौन कौन सा जिला आता है, चलिए देखते हैं। तो मगध प्रमंडल आता है, एक है मगध प्रमंडल। तो मगध प्रमंडल का मुख्यालय है दोस्तों गया, ठीक है। और मगध प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन सा जिला आता है? गया, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद और नवादा। उसके बाद है दरभंगा प्रमंडल। दरभंगा प्रमंडल का मुख्यालय दरभंगा ही है। और दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत आता है दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। उसके बाद है पटना प्रमंडल। तो पटना प्रमंडल का मुख्यालय पटना में पटना ही है। और पटना प्रमंडल के अंतर्गत पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और नालंदा आता है। उसके बाद है पूर्णिया प्रमंडल। और पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय पूर्णिया में है। और पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आता है पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज। उसके बाद है भागलपुर प्रमंडल। और भागलपुर प्रमंडल का मुख्यालय भागलपुर है। और भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत भागलपुर और बांका 2 जिला आता है। उसके बाद है मुंगेर। और मुंगेर जिला का, मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय मुंगेर ही है। और मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई आता है। उसके बाद है तिरहुत प्रमंडल। तो तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय है दोस्तों मुजफ्फरपुर। और तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली आता है। उसके बाद है कोसी प्रमंडल। कोसी प्रमंडल का मुख्यालय सहरसा में है। और कोसी प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिला आता है, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। और उसके बाद है सारण प्रमंडल। सारण प्रमंडल का मुख्यालय सारण में ही है। और सारण प्रमंडल के अंतर्गत भी 3 जिला आता है, सारण, गोपालगंज और सिवान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला के इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम फणीश्वर नाथ रेणु जी के नाम पर रखा जाएगा? तो दोस्तों, बिहार के अररिया जिला, ठीक है, अररिया जिला के इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम रखा जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु जी के नाम पे। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया जिले में फारबिसगंज के पास औराही हिंगना गांव में हुआ था। और उस समय यह पूर्णिया जिला में था। और इसके अनुसार इनके प्रमुख उपन्यास यानी फणीश्वर नाथ रेणु के प्रमुख उपन्यास में मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, दीर्घ पत्ता और कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड शामिल है, ठीक है। और अपने प्रथम उपन्यास मैला आंचल के लिए इन्हें पद्मश्री का सम्मान भी दिया गया था। अब दोस्तों, नाम आया है अररिया जिला का, तो चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो दोस्तों, ये आ गया बिहार का मैप और ये रहा अररिया जिला। अररिया जिला का सीमा और किस किस जिला से सटा हुआ है? तो देखिए, सुपौल है, मधेपुरा है, पूर्णिया है और किशनगंज है, 4 जिला से सटा हुआ है। और अररिया जिला का सीमा दोस्तों नेपाल से भी सटा हुआ है, कि ये क्षेत्र जो देख रहे हैं आप, ये पूरा क्षेत्र पश्चिम चंपारण से लेकर और ये किशनगंज तक, ठीक है, ये पूरा नेपाल का क्षेत्र है। तो अररिया जिला का सीमा नेपाल से भी सटा हुआ है। अब नाम आया अररिया जिला का, तो चलिए इसके बारे में भी कुछ जानते हैं। दोस्तों, अररिया जिला जो है ये पूर्णिया प्रमंडल में आता है। और पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत 4 जिला आता है, अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया। और अररिया जिला का स्थापना हुआ है 1990 में। और यहाँ का प्रमुख नदी कोसी है। अब कोसी यहाँ की प्रमुख नदी है, तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं।
तो कोशी नदी नेपाल की राजधानी काठमांडू के उत्तर पूर्व स्थित गोसाई थान से निकलती है और बिहार में सुपौल जिला में प्रवेश करती है कोसी नदी और खगड़िया के पास गंगा नदी से मिल जाती है। कोसी नदी को नेपाल में सप्त कौशिकी कहा जाता है क्योंकि यह नदी सात धाराओं से मिलकर बनी है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि बाढ़ से सबसे ज़्यादा क्षति बिहार में कोसी नदी से ही होती है और गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में यह सबसे लंबी नदी है। कोसी नदी की कुल लंबाई 730 किलोमीटर है जबकि बिहार में कोसी नदी की लंबाई 260 किलोमीटर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के किस व्यक्ति ने कोरोना के बचने के लिए हाइड्रोलिक प्रोटेक्टिव छाता बनाया है? तो कोरोना से बचने के लिए दोस्तों हाइड्रोलिक प्रोटेक्टिव छाता बनाया है दोस्तों विनीत कुमार ने, बी ऑप्शन इसका सही हो गया और ये बिहार के बहुत ही प्रसिद्ध बाल वैज्ञानिक हैं। ठीक है, और बिहार के औरंगाबाद के बाल वैज्ञानिक विनीत कुमार ने इस छाता को बनाया है। छाते के अंदर ही मौजूद है हैंड वॉश, सैनिटाइजर और मास्क। और दोस्तों कुछ दिन पहले इन्होंने ही प्लास्टिक से पेट्रोल बनाने का फॉर्मूला का आविष्कार किया था और इसके लिए भी पूरे भारत में इनका चर्चा हुआ था। और दोस्तों ये रहने वाले हैं औरंगाबाद के विनीत कुमार। तो चलिए फिर औरंगाबाद के बारे में कुछ जानते हैं। तो दोस्तों ये आ गया बिहार का मैप और ये रहा आपका औरंगाबाद जिला। ठीक है, औरंगाबाद जिला का जो सीमा जो है और किस किस जिला से सटा हुआ है तो देखिए रोहतास से सटा हुआ है, अरवल से सटा हुआ है और गया से सटा हुआ है। ठीक है, तीन जिला से सटा हुआ है। और दोस्तों औरंगाबाद का जिला ये झारखंड राज्य से भी सटा हुआ है क्योंकि नीचे का जो क्षेत्र देख रहे हैं ये सारा झारखंड का क्षेत्र है। ठीक है, तो औरंगाबाद का सीमा ये नीचे झारखंड से भी सटा हुआ है। अब नाम आया औरंगाबाद का तो चलिए इसके बारे में भी कुछ जानते हैं। तो दोस्तों औरंगाबाद जिला का स्थापना जो हुआ है 1973 में हुआ है। यह मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है और औरंगा जिला का मुख्यालय औरंगाबाद में ही है और मगध प्रमंडल के अंतर्गत कुल पांच जिला आता है, गया, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद और नवादा। और दोस्तों औरंगाबाद का प्रमुख फसल जो है धान, गेहूँ मसूर है। प्रमुख नदी है सोन पुनपुन औरंगा बताने और मोरहर। प्रमुख उद्योग है कारपेट उद्योग और ब्लैंकेट उद्योग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देश के किस तीर्थ स्थल पर फंसे 400 बिहार के निवासियों को मदद के लिए अदालत के द्वारा आदेश दिया गया है? तो दोस्तों बिहार के 400 दोस्तों तीर्थ यात्री फंसे हुए हैं वैष्णो देवी में। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया और इन तीर्थ यात्रियों को होटल खाली करने के लिए कहा गया जा रहा था। ठीक है, और इसीलिए अदालत ने यानी कोर्ट के द्वारा मदद करने के लिए का फैसला दिया गया है। अगला क्वेश्चन है शहीद खुद्दीराम बोस केंद्रीय कारा में ई मुलाकाती के द्वारा जेल के बंदी अपने परिजनों से बात कर सकेंगे? तो दोस्तों शहीद खुद्दीराम बोस केंद्रीय कारा जो है ये बिहार के किस जिला में है? तो शहीद खुद्दीराम बोस केंद्रीय कारा दोस्तों बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और इससे एक और क्वेश्चन लिंक करते हैं हम लोग कि खुद्दीराम बोस को फांसी की सजा कहाँ हुई थी? तो खुद्दीराम बोस को 1908 में फांसी की सजा मुजफ्फरपुर में ही हुआ था। ठीक है, और इसी कारण मुजफ्फरपुर का जो जेल है उस जेल का नाम खुद्दीराम बोस के नाम पर रखा गया है। और कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए यह नायाब कदम उठाया गया है। ठीक है, ई मुलाकाती सर्विस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों बिहार के किस जिला के बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा बिहार में सेब की खेती के लिए HRMN99 नामक सेब की प्रजाति की एक बगीचा तैयार किया गया है जिससे गर्मियों में सेब की खेती की जाएगी? ठीक है, तो दोस्तों बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये मुजफ्फरपुर में ही है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और दोस्तों यहीं पे HRMN99 नामक सेब का प्रजाति का एक बगीचा तैयार किया गया है, इस पर भी रिसर्च किया जा रहा है और इससे कोशिश किया जा रहा है कि गर्मियों में सेब की खेती मुजफ्फरपुर जैसे या बिहार में किया जाए। ठीक है, और दोस्तों मुजफ्फरपुर में लीची अनुसंधान केंद्र भी है और मुजफ्फरपुर के शाही लीची को GI टैग भी मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस संस्था के द्वारा बिहार स्टेट मिल्क फेडरेशन, जिसको शॉर्ट में कॉन्फेड बोलते हैं, तो बिहार स्टेट मिल्क फेडरेशन को सर्वश्रेष्ठ डेयरी पुरस्कार इंडिया डेयरी अवार्ड दिया जाएगा?
तो दोस्तों यह दिया गया है एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा। बी ऑप्शन इसका सही हो गया, एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा इंडिया डेयरी अवार्ड दिया गया है बिहार स्टेट मिल्क फेडरेशन को, ठीक है। और दिल्ली में ताज पैलेस होटल में यह अवार्ड दिया गया है, और कॉन्फेड के निदेशक डॉक्टर विजय लक्ष्मी पुरस्कार को स्वीकार करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का करेंट अफेयर्स, चलते हैं कल के रिवीजन के तरफ। तो कल के रिवीजन का पहला क्वेश्चन था, बिहार के किस जिला में 1 करोड़ की लागत से फ्लोटिंग फिश फीड मिल प्लांट स्थापित किया जाएगा, तो मधेपुरा में। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और दूसरा क्वेश्चन था कल का, बिहार में बर्ड फ्लू में मारे गए पक्षियों के लिए किस विभाग के द्वारा मुआवजा दिया जाएगा, तो पशुपालन निदेशालय के द्वारा, ठीक है। तो कल के क्वेश्चन का आंसर हो गया बी और सी, ठीक है। आज का रिवीजन का क्वेश्चन है, बिहार के किस वन्य जीव अभयारण्य में पहली बार बाघ देखा गया है। और आज का दूसरा क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला में काले गेहूं की खेती की जा रही है। तो इस दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप ऑडियो सुनकर रिवीजन करना चाहते हैं तो खबरी एप्लीकेशन पे हमारा बिहार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पे प्रतिदिन इस वीडियो का शाम में ऑडियो अपलोड किया जाता है। और दोस्तों खबरी एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्ट खबरी एप्लीकेशन पे हमारा बिहार चैनल पे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।